हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर 2 जो हमारा गोइंग ऑन है, प्रोटीन्स, जिसका चैप्टर का नेम है। इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे। आज हमने इससे पहले वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनका फॉर्मेशंस कैसे होता है। सो, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, व्हाट इज़ प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टेनरी। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट हमारे सिलेबस में केवल और केवल 2 चैप्टर्स में ही डिस्कस किया गया है, 2 पार्ट्स वाला ही डिस्कस किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर का ही डिस्कस किया गया है, टर्शरी और क्वार्टेनरी नहीं डिस्कस किया गया है। तो मैं आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आपको पता है आपके नेचर में पाया जाता है एक नाइट्रोजन युक्त, अगर हिंदी में कहूँ तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, एक कार्बनिक कंपाउंड होता है जो आपके नाइट्रोजन से फिल होता है फुल नेचर में। और आप सबको पता है प्रोटीन्स सारे पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, सभी जीव जंतुओं में भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है, हम जब खाना खाते हैं, अपनी डाइट लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में प्रोटीन्स जाता है। तो हमारे जो शरीर होता है उसके लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजेंशियल थिंग है कि हमारे शरीर में प्रोटीन हो। और जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें लगभग 19% पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में का 19% जो पार्ट है वो प्रोटीन का बना होता है। जैसे आपको पता है प्रोटीन्स की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, नाखून जल्दी जल्दी टूटते हैं और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पाया जाएगा, अगर हमारी बॉडी होगी तो बॉडी में, हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में, हमारी स्किन में पाया जाता है। और जैसे एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो उनके प्रोटीन्स उनके विंग्स में पाया जाता है, उनके सींग होते हैं उसमें पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स कहाँ और कैसे मिलते हैं और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो हम डाइट लेते हैं तो उसमें से ऐसे कौन सी डाइट होती है जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो आपको पता है मिल्क, एग, ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगर हम वेजिटेरियन चीज़ें देखें तो दालों में, बहुत सारी दालों में प्रोटीन पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो हम वहाँ से प्रोटीन्स का पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि दूध में है, तो दूध में साइंटिफिक नाम क्या होगा प्रोटीन का। हम प्रोटीन भी बहुत सारे तरह के होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स दूध में पाया जाता है, साइंटिफिक नेम क्या है दूध में पाया जाता है, केसिन बोलते हैं हम, केसिन और लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। मांसपेशी में जैसे मायोसिन नाम से पाया जाता है और इंसुलिन नाम नेम से पाया जाता है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो मैंने अभी आपको सिर्फ अपनी 2 स्टार्टिंग की 2 मिनट्स की वीडियो में ये बताया कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स का डिवाइडेशन, कॉम्पोजिशन भी होता है और प्रोटीन्स के आपके क्लासिफिकेशन भी होता है। तो क्लासिफिकेशन में प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल प्रोटीन होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, एक डेरिवेटिव प्रोटीन्स होते हैं। वो धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी बस। तो मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे वैसे तो 4 टाइप्स से उसको डिवाइड किया गया है, बट आपके सिलेबस में 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं 2 टाइप से ही बताऊंगी आपको कि प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा। लेट्स स्टार्ट प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल वे में दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, इट मीन्स एक ही सिंपल चेन है जो प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करती है।
कैसे, ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये एमिनो एसिड्स हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं आपके प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हम इसको बोल भी सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स की एक स्ट्रेट चेन है जिसमें ये और ये क्या है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। आप इस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर आए तो आप ऐसे ड्रॉ कर कर आएंगे तो आपके मार्क्स कभी कट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं अमीनो एसिड्स, और ये जो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बना होता है ना, ये एक अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड्स है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना होता है, इस बॉन्ड का नेम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, मैंने हिंदी में लिख दिया कोई बात नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बंध, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताती हूँ। तो ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपका बिल्कुल ठीक है, बट मैं आपको इक्वेशन के वे में भी बता देती हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसे बनता है। सो मैंने अभी क्या बताया, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं प्रोटीन का, ठीक है। सो आइए, मैंने एक अमीनो एसिड्स लिया। अमीनो एसिड क्या होता है, व्हाट इज़ अमीनो एसिड्स, मैंने बताया था कि उसके एक साइड तो एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। इधर मैं एक कार्बन का ग्रुप ले ले रही हूँ और इधर H। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये अमीनो एसिड का मैंने इक्वेशन वे में लिखा है, स्ट्रक्चर बनाया, तो ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। सपोज मैंने एक अमीनो एसिड सेम एज इट इज एक और ले लिया, ठीक है, इससे लिंक कर दिया, एक और ले लिया C, इधर NH2, एक H को मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, NH दिखा के इसको, एक H को ऐसे दिखा दे रही हूँ, ठीक है। C और इधर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इधर R और इधर H, ये भी क्या है, अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड्स आकर मिलते हैं, ये भी क्या है, अमीनो एसिड्स। तो ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं। अब देखिए ये कैसे इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो देखिए ये वाला OH और ये वाला H आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, वाटर। ये वाला OH और ये वाला H क्या बनेगा, माइनस के H2, इट मीन्स वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकल के जब एमिनो एसिड्स के दो हम लेंगे तो उसका वाटर बाहर निकलकर इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये लिंकेज करके बनाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो देखिए कैसे इसका वो होगा, NH2 इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CRH COO को मैं डबल बॉन्ड के साथ यहाँ दिखा दे दूँ, ठीक है। फिर ये वाला O हट जाएगा और कनेक्ट हुआ ये वाले N से, ये वाले N से कनेक्ट हुआ, और इस वाला H C, ये वाला R, ये वाला H, बाकी सब एज इट इज़ है, COOH। सो ये देखिए ये जो बीच में लिंक हुआ, ये जो बॉन्ड बना, इसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे करके ये चेन बनती रहेगी आगे तक बनती रहेगी, तो यही कहलाएगी स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, और इसको ही कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्या हो गया, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये अभी अभी बनाया है, और इसे हम पेप्टाइड चैन या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। आप इसमें देखिएगा, मैंने एक स्ट्रेट चैन बनाई है जो कि काफ़ी बड़ी दूर तक जा रही है, ये कुछ नहीं है, एमिनो एसिड्स की स्ट्रेट चैन है, ये देखिए एमिनो एसिड्स की स्ट्रेट चैन है, ध्यान से देखिएगा, तो एमिनो एसिड्स की स्ट्रेट चैन है। तो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि व्हाट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक, कमेंट ऑल्सो।